हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, जिसे IBS के नाम से भी जाना जाता है, और IBS को नेचुरली कैसे हम ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस के माध्यम से। और आज पांच बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा मैं, जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये कितनी भी क्रॉनिक से क्रॉनिक IBS हो, बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस बेहतरीन सफ़र में चलते हैं आप दोस्तों। IBS एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जो कि ज़्यादातर लोगों को परेशान करती है। आप देखेंगे, आपको ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जिसको गैस्ट्रो और इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो मतलब होता है स्टमक और इंटेस्टाइनल मतलब होता है इंटेस्टाइन्स, यानी आँत और स्टमक से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती है। जब भी एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स आने शुरू हो जाएँ तो उसको बोलते हैं IBS। मतलब क्या है इसका? इसका अर्थ ये है कि जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, साथ में डायरिया भी हो, साथ में बॉबल्स का इररेगुलर मोशन हो, मूवमेंट हो, स्टूल बार बार जाना पड़ रहा हो, कभी डायरिया हो, कभी लूज मोशन हो, कभी पेट में गैस बन रही हो, पेट में दर्द हो, इस तरह की तमाम जो तकलीफ़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को जो एक साथ बोला जाता है उसको कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सिंड्रोम जहाँ भी वर्ड आता है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंड्रोम का मतलब होता है कई बीमारियों का एक साथ आ जाना, दैट इज कॉल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा बहुत से ऐसे लोगों को जिनको पेट की समस्या अक्सर बनी रहती है, कभी लूज मोशन हो जाता है, लूज मोशन ठीक होता है तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाता है, कब्जियत कुछ कुछ दिन तक लैट्रिन ही नहीं साफ होती है, कभी वो ठीक होता है तो फिर से वापस डायरिया की कंडीशंस हो जाती है, बार बार फ्रीक्वेंट मोशन जाना पड़ता है, एक एक दिन में कई कई बार जाना पड़ता है। इसके साथ साथ में पेट में गैस की समस्या होती है, पेट फूल जाता है, गैस बन जाती है, कुछ भी खाते हैं डकारें आने लग जाती है। इसके अलावा पेट के अंदर दर्द होने लग जाता है, गैस की वजह से पेट फूला फूला सा रहता है। तो इस तरह की तमाम समस्याएँ आपको देखने को मिलती हैं, कई सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन ये दोस्तों होती क्यों है? हमारे इंटेस्टाइन में एक मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मोशन। पेरिस्टल्टिक मोशन वैसे ही काम करता है जैसे कि एक स्क्रू को अगर आप टाइट करते हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, वैसे ही होता है पेरिस्टल्टिक मोशन, जो कि हमारे स्टमक से लेकर के और आंत तक होते हुए पूरा आहार नाल की अंतिम छोर तक चला जाता है, जिससे हमारा जो बॉवेल होता है, जो हम खाना पचा रहे होते हैं, वो आगे बढ़ता चला जाता है इसी मोशन के कारण, पेरिस्टल्टिक मोशन इसके कहते हैं। क्रमाकुंचन गति, कभी कभी क्या होता है कि ये जो क्रमाकुंचन गति होती है या रिवर्स हो जाती है, मतलब उल्टी चलने लगती है। ये उल्टी चलती है तो कैसे होता है? जैसे आपने देखा होगा कि कोई स्क्रू है, इसको जब टाइट करते हैं तो वो आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसको अगर आप ढीला करना शुरू करेंगे तो वो वापस आना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी डेवलप हो जाती है कि जो क्रमाकुंचन गति है या आगे जो बढ़ती है पेरिस्टल्टिक मोशन, ये वापस आ जाती है बैक की तरफ। जब बैक आती है तो क्या होता है कि ये कच्ची डकार, खट्टी डकार, गले में जलन, एसिडिटी, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये भी IBS का ही एक पार्ट है। हमने बताया कि IBS कहते ही उसे हैं जब कई प्रकार के सिम्टम्स एक साथ आ जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां एक साथ आ जाती हैं, तो उसे कहते हैं सिंड्रोम। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब यही होता है कि बाउल जब इरिटेट हो जाता है, उसकी वजह से जो सिंड्रोम पैदा होते हैं, कई सारे सिम्टम्स, कई सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं, उसे बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें होती हो जाती हैं, पेट के अंदर दर्द हो जाता है, पेट के अंदर पेट फूला फूला सा रहता है, ठीक है, लैट्रिन में तकलीफ होती है जैसा कि मैंने बताया, बार बार कभी जाना पड़ता है, कभी कभी इनकम्प्लीट फीलिंग होती है कि कई बार जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेट अभी साफ़ नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है कि एक बार गए साफ़ हुआ, लेकिन वापस दोबारा कुछ देर आए, खाए पिए, थोड़ा टहले वगैरह, फिर से दोबारा महसूस हो गया। तो कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है, कभी कभी ये कंडीशन सुबह में होती है, कभी कभी पूरे दिन होती है, कभी शाम के वक्त में होती है, कभी सुबह या शाम को होती है। तो ये इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स पाए जाते हैं और उसके आधार पर होम्योपैथी की जो दवाएँ होती हैं वो अलग अलग होती है दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं पाँच आपको बेहतरीन दवाएँ डिस्कस करूंगा आपसे इस टॉपिक के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसको समझ लेते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS की कंडीशन में होम्योपैथी सबसे बेस्ट क्यों मानी जाती है। मैं आपको बताता हूं कि होम्योपैथी का जो अप्रोच होता है वो होलिस्टिक होता है दोस्तों। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि एज ए होल आपकी जितनी भी तकलीफें हैं जो शुरू हुई हैं किसी भी कारणवश, उसका जो कारण होता है वहाँ तक को सही करती है। इसीलिए इसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, मतलब ये सिर से पांव तक, आपके मेंटल लेवल, आपके और भी जेनेटिक लेवल तक जा करके
चीज़ों को सही करने की क्षमता होती है होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर में। इसलिए इसको नेचुरल भी कहा जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पे काम करती है। होलिस्टिक भी कहा जाता है, इसकी होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, ये कि आपको एज ए होल ये ठीक करती है। सिर्फ आपकी जो अल्टरनेटिव सिम्टम्स आते हैं सिर्फ उनको ठीक नहीं करती है कि आपको पेट में गैस बन रही है उसको ठीक कर दिया दैट्स इट, जैसा कि एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में होता है। ये ऐसा नहीं करती है, ये आपके जो कारण होते हैं जिसकी वजह से ये पैदा हुई है उस कारण को भी ठीक करती है, और उस वो ठीक हो जाता तो ये भी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर में। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी की जो सबसे पहली मेडिसिन है वह है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसके सिम्टम्स क्या मिलते हैं? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आप देखेंगे कि जब भी कभी ऐसी कंडीशंस होती है कि पेशेंट को सुबह के समय में कई बार जाना पड़ता हो स्टूल के लिए। कई बार जाने का मतलब क्या है? जैसे पेशेंट एक बार गया, लैट्रिन साफ हुई, थोड़ी हुई, उसके बाद उसको लगा कि हाँ चलो अब ठीक है, दैट्स एनफ। वापस आया, थोड़ा सा टहला वगैरह कुछ खाया पिया, वापस फिर से एक दो घंटे के बाद फिर से दोबारा महसूस हो गया कि नहीं फिर से जाना है। अब फिर से वापस गया तो फिर से लगा कि हाँ चलो अब तो ठीक हो गया। वापस आया तो दोपहर के वक्त में फिर से महसूस हो गया। तो इस तरह की फीलिंग कि हाँ कंप्लीट फीलिंग हो गई है बावजूद इसके फिर से दोबारा जाना पड़ रहा हो, और स्पेशली अगर सुबह के वक्त में हो तो सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है दोस्तों नक्स वोमिका। ठीक है, इस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा कि अगर सुबह के समय हो, कंप्लीट फीलिंग हो, उसके बाद फिर से आपको वापस जाना पड़ रहा हो, ठीक है, तो कंप्लीट फीलिंग होती है। एक फीलिंग होती है जिसमें इनकम्प्लीट होती है, मतलब पेशेंट स्टूल के लिए जाता है सुबह के समय में, लैट्रिन साफ़ नहीं होती है पूरी तरीके से, लगता है कि अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है, वापस आता है फिर थोड़ी देर बाद फिर से महसूस होती है कि दोबारा जाना पड़ेगा, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट। तो कम्प्लीट की कंडीशन में देते हैं नक्स वोमिका, और अगर इनकम्प्लीट है दोस्तों तो वहाँ पर दिया जाता है मर्कसोल। नक्स वोमिका जो मेडिसिन होती है इसको हमेशा दिया जाता है रात के वक्त में, रात में सोते वक्त में 200 पावर की एक खुराक पर डे आप ले सकते हैं कुछ दिनों तक। आप देखेंगे कुछ ही दिन के अंदर में आपको बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है अगर ये सिम्टम मिलता है तो। बाकी और जो सिम्टम होंगे वो होंगे, पेट में गैस हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके साथ में ये एक पेकिलियर सिम्टम है, पेशेंट इरिटेबल बहुत ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ा बहुत होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है पेशेंट को, तो ये सिम्टम सारे होते हैं पेक्यूलियर नक्स वोमिका के। ठीक है, मर्कसोल का जो पेशेंट होता है दोस्तों उसको आप देखेंगे कि पेशेंट का जो जीभ होती है वो थुलथुली होती है, मोटी होती है, लार बनती है पेशेंट को खूब, बावजूद उसके प्यास बहुत तकती है, पेशेंट खूब पानी पीना चाहता है। तो ये सिम्टम अगर पाया जाता है तो ये होता है मर्कसोल के अंदर में, ये सिम्टम नक्स वोमिका के अंदर नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी मेडिसिन के बारे में। हमारी जो दूसरी मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम की 30 या 200 पोटेंसी की आप यूज़ कर सकते हैं। सिम्टम क्या मिलेगा आपको लाइकोपोडियम का? जब सिम्टम मिलेगा तो उसमें आपको मिलेगा कि पेशेंट को पेट के निचले हिस्से में गैस बने, ठीक है, खूब पेट फूला फूला सा रहे, गैस बने, पेशेंट को बार बार लैट्रिन जैसी कंडीशंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेट के निचले हिस्से में गैस का बनना। पेशेंट मीठा बहुत चाहता है, पेशेंट मीठा खूब खाना चाहता है, मीठा खाने से पेशेंट को बड़ा अच्छा लगता है, खूब गुस्से वाला होता है पेशेंट, गुस्सा हो जाता है जल्दी, जैसे नक्स वोमिका का होता है पेशेंट को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो इस सिम्टम पे दिया जाता है लाइकोपोडियम, पेशेंट को जो गैस बनती है निचले हिस्से में होती है, और गैस नीचे से पास हो जाने पे लैट्रिन के रास्ते पेशेंट को आराम मिल जाता है। जब भी पेशेंट इस तरह के सिम्टम बताए दोस्तों तो वहाँ पर आपको सबसे बेस्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। एक चीज़ आपको बताऊँ, लाइकोपोडियम की जो तकलीफ़ें होती हैं शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब शाम को 4 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक बढ़ जाती है एक और मेडिसिन है, हेलेबोरस नाइगर। एक मेडिसिन है जिसमें शाम को 4 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, कोलोसिंथ, ठीक है। कोलोसिंथ भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है IBS की, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये मेडिसिन से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब कोलोसिंथ में मीठा की उतनी चाह नहीं होती जितनी लाइकोपोडियम में होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है लाइकोपोडियम के अंदर में, तो इन सारी चीज़ों से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया लाइकोपोडियम के बारे में। अब हम तीसरी मेडिसिन के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तीसरी मेडिसिन हमारी है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। इसका सिम्टम क्या पाया जाता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, फियर उसको होता है, ठीक है।
एंटीसिपेटिंग जो कंडीशंस होती है, एंटीसिपेटरी फियर होता है पेशेंट के अंदर में, ठीक है, किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि अकल्पनीय हो, मतलब कल्पना वाली चीज़ों से उसको डर लगता है बहुत ज़्यादा। पेशेंट लोगों के साथ भीड़ में नहीं जाना चाहता है, पेशेंट को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, पेशेंट नर्वस होता है, एंग्जाइटी होती है पेशेंट को, पेशेंट को ऐसी फीलिंग होती है कि वो कहीं पे जाता है अगर कहीं पे बाहर लोगों के बीच में तो उसको लगता है कि नर्वसनेस फील होता है, उसको लगता है कि एक बार लैट्रिन होके आ जाऊँ मैं, ऐसी फीलिंग होती है, ठीक है। तो ये सिम्टम पे दो मेडिसिन आती है, अगर कभी ऐसा फील हो कि कभी वो कहीं गैदरिंग है, कहीं पे लोग हैं वहाँ पे इकट्ठा, वहाँ पे जाना पड़े उसको, और वैसी कंडीशन में उसको अगर ऐसा फील हो कि नहीं मुझे एक बार लैट्रिन जाके होके आना पड़ेगा, तो वैसी कंडीशन में एक तो मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम, दूसरी मेडिसिन है जेलसीमियम। दोस्तों जेलसीमियम के अंदर भी ये सिम्टम पाया जाता है, लेकिन जेलसीमियम डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस होती है उसके अंदर भी, फिर सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, पानी की प्यास कम लगती है, चक्कर जैसा आता रहता है, सुस्ती होती है, तो ये सारे सिम्टम पाए जाते हैं जेलसीमियम के अंदर में, जबकि ये सिम्टम इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, फियर होता है, एंग्जाइटी होती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, मीठा की चाह बहुत ज़्यादा होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट के अंदर में, मीठा की चाह होती है, लेकिन एक खास बात होती है कि मीठा वो पचा नहीं पाता है, मीठा खाने के बाद उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, मे भी हो सकता है गैस की तकलीफ हो जाए, उसकी जो तकलीफें होती हैं IBS की वो बढ़ जाती हैं, मीठा चाहता है लेकिन उसकी तकलीफें उससे बढ़ जाती हैं मीठा खाने की वजह से। तो ये सिम्टम पाया जाता है अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर में, ठीक है। मीठा चाह होती है लाइकोपोडियम में, लेकिन वो मीठे को पचा ले जाता है, ये नहीं पचा पाता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स से आपको डिफ्रेंशिएट करना था। हमारी जो चौथी मेडिसिन है वो है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। इसके अंदर में सिम्टम क्या पाया जाता है कि जो पेशेंट होता है उसको वाटरी डायरिया होती है, ठीक है, वाटरी, पानी की तरह बहुत ज़्यादा लैट्रिन होती है और ज़्यादा मात्रा में होती है, गसिंग डायरिया होती है लैट्रिन के साथ साथ में, फ्लैटस भी पास होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि ज़्यादा मात्रा में होती है, पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट सी महसूस होती है पेशेंट को, पेशेंट को फ्रिक्वेंट स्टूल होता है, बार 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 लैट्रिन जाना पड़ता है, और जब भी जाता है ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है पोडोफाइलम का। इसका उल्टा होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है, बार बार जाना पड़ता है, पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट सी होती है, ये पाया जाता है एलोज के अंदर में, एलोसोक्रोटिना। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में है तो आपको एलोज आ जाएगा, नेक्स्ट ओमिका आ जाएगी, ज़्यादा मात्रा में है तो पोडोफाइलम आ जाएगा, ज़्यादा मात्रा में हो उसके बाद पेशेंट को आता है, जैसे बच्चा है किसी को, अगर बार बार ऐसी कंडीशंस हो रही है, फ्रीक्वेंट डायरिया हो रही है ज़्यादा मात्रा में, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट के अंदर में जो वीकनेस होती है वो नहीं होती है, तो ये पाया जाता है आपको एसिड फॉस के अंदर में। लेकिन अगर वीकनेस हो, कमजोरी हो बहुत ज़्यादा, वो पाया जाता है आपको पोडोफाइलम के अंदर में। तो दोस्तों इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे किसी भी पेशेंट को जिसको भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशंस है, या नॉर्मल भी जो कंडीशंस होती हैं उसमें भी ये सिम्टम अगर आपको मिलते हैं तो आप वहाँ पे ये सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को सपोज डायरिया हो गई, अब डायरिया ऐसी हो रही कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बार बार जा रहा है, और जितनी बार जा रहा उतनी बार ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में हो जा रही, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है उसके अंदर में, तो आप वहाँ पर पोडोफाइलम सोच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एक मेडिसिन है बहुत बेहतरीन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए। ये हो गई चौथी मेडिसिन। अब हम बात करते हैं पांचवी मेडिसिन के बारे में। अभी मैंने बात किया था कोलोसिंथ के बारे में। कोलोसिंथ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए। इसमें सिम्टम क्या पाया जाता है कि पेशेंट को पेन होता है, क्रैम्पिंग लाइक पेन होता है, पेट के अंदर में दर्द होता है, पेशेंट आगे की तरफ बेंड हो जाता है तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। ये खास सिम्टम होता है कि पेशेंट को दर्द हो पेट के अंदर में, और दबाने पे, हार्ट प्रेशर पे, या आगे की तरफ झुक जाने पे पेशेंट को आराम मिले, तो ऐसी कंडीशन में कोलोसिंथ सबसे बेस्ट मेडिसिन। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कोलोसिंथ के अंदर में क्या पाया जाता है। कोलोसिंथ के अंदर में आपको क्रैम्पिंग लाइक पेन, कोलिक लाइक पेन, इस टाइप का दर्द आपको मिलता है, और पेशेंट आगे की तरफ झुकता है या दबाव पड़ता है तो उसमें पेशेंट को आराम मिल जाता है। साथ में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो तकलीफें होती हैं वो आपको मिलती है कोलोसिंथ के अंदर में। तो दोस्तों आज हमने बात किया IBS के बारे में, और IBS से संबंधित पांच बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका अगर आप सिम्टम्स के आधार पर चुनाव करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी तरीके का, कितना भी क्रॉनिक IBS, उसको आप ठीक कर सकते हैं, जिसमें हमने नक्सोमिका, लाइकोपोडियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, पोडोफाइलम और कोलोसिंथ के बारे में बात किया। इवन मैंने कई सारी और मेडिसिन का भी आपको रेफरेंस दिया, जिसमें मर्कसॉल के अलावा और भी मेडिसिन हमने बताई आपको, ठीक है ना, एसिड फॉस। तो
कहने का सेंस क्या दोस्तों कि आप इन सारी चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वे होता है अगर क्रॉनिक आईबीएस की कंडीशन है तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि अच्छे से इन सारी मेडिसिंस के बारे में जानकारी रखते हैं तो उनसे मिल करके आप इसका ट्रीटमेंट लीजिए। और डेफिनेटली आप अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वहाँ से आप अपना आईबीएस की जो प्रॉब्लम है चाहे वो कितनी भी पुरानी हो उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कारण क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनको सारी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि कब कौन से सिम्टम्स आते हैं। बड़ी बार क्या होता है कि सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है। तो वहाँ पे अगर आप डॉक्टर के कंसल्ट में हैं, उनके सानिध्य में हैं, तो डेफिनेटली उनको पता होता है और वो एक सही दवा का चुनाव कर पाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई आईबीएस के बारे में। थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि आईबीएस में हमको मैनेजमेंट करना चाहिए अपने खान पान का, अपने बिहेवियर का, अपने रहन सहन का, अपने स्ट्रेस का। बड़ी बार क्या होता है कि आईबीएस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं तो एक होता है बेसिकली पेट के अंदर में जिसको बोलते हैं गट ब्रेन। ब्रेन हमारी तीन होती हैं, आपको पता ही होगा, सिर के अंदर होता है, पेट के अंदर होता है और हमारा हार्ट के अंदर होता है। तो हमारा जो तीन ब्रेन होता है, तीन तीनों का जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होता है वो होना चाहिए। तो जब हम स्ट्रेस की कंडीशंस में होते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं, तो वैसी कंडीशन में ये इन तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमको इस तरह की तकलीफ़ों को देखने का मौका मिलता है, या हमारे पेट खराब हो जाते हैं, या हम इस तरह की चीज़ों से सफ़र करने लग जाते हैं। तो आपको स्ट्रेस को भी सही करना है, खाने की जो हैबिट होती है उसको भी सही करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ईजी वे में आप इसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी है। और अगर आप और किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं उस टॉपिक पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर के आने की कोशिश करूँगा। और कोई इन्फॉर्मेशन और कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने लेकर के आऊँ तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, अपने और दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, रहिएगा स्वस्थ और मस्त। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।